नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर और मैं हूँ रामरूप शर्मा। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिक मैथमेटिक्स के लिए है, जो क्लास टेंथ के लिए है। ठीक है, मैंने ऐसा रियलाइज़ किया है कि बहुत सारे बच्चे अब पढ़ाई के लिए बहुत तैयार हो रहे हैं और हो भी जाना चाहिए, क्योंकि नवंबर स्टार्ट हो गया है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी केवल 3 मंथ है। ये 3 मंथ आप मेरे साथ भी अगर करते रहेंगे तो मैं आपको 80% से भी ऊपर पहुँचा दूंगा, और जो लेवल मैथमेटिक्स का है उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लगातार लेकर आऊँगा। तो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, जो सीरीज का पहला पार्ट है सैम्पल पेपर 1A जो है बेसिक मैथमेटिक्स का, यानी कि 241 कोड का। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप करते रहिए, मैं साथ के साथ हिंट दे रहा हूँ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर कोई भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में अपना पूरा देते हैं तो मैं उसका नाम यहाँ पर अनाउंस करूँगा, और अगर आप कोई पर्टिकुलर वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स की बनाकर भेजते हैं तो वो वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूंगा ज़रूर। तो आज से मैं ये स्कीम स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, मैंने क्वेश्चन 12 रखे यानी कि पार्ट ए में, दूसरे पार्ट में आपके बचे हुए क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से सैम्पल पेपर चलता रहेगा। सोचिए अगर हमने इस तरीके से 20 सैम्पल पेपर कर दिए तो गारंटेड आपका पूरा पेपर यहाँ से आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखें, चैप्टर 1 से है, ये 91/25 है, इसको 2^m, 5^n में कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर को। तो बहुत आसान है, आप देख रहे होंगे 91/5^2 × 2 नहीं है तो 2^0, ये 1 mark आपका सीधा सीधा हो जाएगा, गारंटीड ये क्वेश्चन आना है। 1.3 एक्सरसाइज से इस टाइप का क्वेश्चन आना ही है, आप सीधे से रट सकते हैं। अगर ये 1 mark का आता है तो आप कहेंगे √5 इरेशनल है, इसका मतलब 2√5 इरेशनल है, इसका मतलब 3+2√5 इरेशनल है। अगर यही क्वेश्चन 3 mark में आता है तो आपको थोड़ा सा उस तरीके से रखना होगा, मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है कि मान लीजिए कि ए और बी को प्राइम नंबर है, उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने रखा है वो है फाइंड द 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सॉरी एंड वेरीफाई इट। ये 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसका मिड टर्म ब्रेक करिए। मिड टर्म ब्रेक आप समझते होंगे x+3 और x+2 आ जाएंगे, यानी कि इसके 0 जो है -3 और -2 होंगे, और फिर इसे सम ऑफ 0 -b/a और प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a से आप वेरीफाई कर देंगे। ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 marks में जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में 2.3 एक्सरसाइज से आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। इस पॉलीनोमियल को इस पॉलीनोमियल से आप डिवाइड कर दें, क्वेशेंट बता दें और रिमाइंडर बता दें। ठीक है, साथ के साथ वेरीफाई कर दें, 3 mark में भी क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन तो आपको 100% मिलना है 2 marks में, और 1 mark में तो मिल ही सकता है। आपको पता होगा यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 ≠ b1/b2 पर होते हैं, यानी कि अगर आप मैं यहाँ पर ही सॉल्यूशन देना चाहूं आपको तो 1 minute का भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि 2/k ≠ −3/-6, क्योंकि k की वैल्यू बतानी है तो आप जो है इसे a1/a2 को c1/c2 के इक्वल कर दीजिए। इक्वल कर देंगे तो आपको k की वैल्यू सीधी सीधी मिल जाएगी, यानी कि 5/-8 यानी कि −16/5। इसके बाद में जो क्वेश्चन है आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से जरूर आएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपके लिए आने बेसिक मैथमेटिक्स में, इसलिए आप अपनी पॉलिसी बदल लीजिए कि आपको कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब इजी लेवल आना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्वेश्चन बहुत आसान है, 2 एंगल है और दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी दोनों का सम 180 डिग्री है, और एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री छोटा है। तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। किसी एक एंगल को आप x मान लो और दूसरा जो एंगल होगा वो x-18 होगा, और दोनों का जो सम है वो हो जाएगा 180। तो बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ में मैंने एक क्वेश्चन और रखा है, क्योंकि स्टेटमेंट के कम से कम 2 questions आपको आएंगे। ये 2 natural numbers हैं, एक नेचुरल नंबर का को x मान लो और दूसरे नेचुरल नंबर को आप y मान लीजिए, उन दोनों का सम है 25 और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपका 7। दोनों इक्वेशन को आप बहुत इजीली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक एंगल को x मानिए, दूसरे एंगल को y मानिए, तो x+y जो है x-y 18 होगा और x+y जो होगा
होगा वो 180 होगा। तो लीनियर इक्वेशन से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स का एक रूट दिया हुआ है, यानी कि अगर टू इसमें के की एक्स की जगह पुट कर दें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर k की वैल्यू मिल जाएगी तो आप k की वैल्यू वापस करेंगे, फिर उसके बाद में उसका मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, तो दूसरा रूट आपके लिए मिल जाएगा। अब वो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी दो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट या वर्ड प्रॉब्लम से आने हैं, तो वो दो क्वेश्चन भी मैंने जरूर रखे, आसान क्वेश्चन आने ये आप निश्चित मानिए। क्वेश्चन है 12 को डिवाइड करिए दो पार्ट में कुछ इस तरीके से कि दोनों पार्ट के स्क्वायर का सम, ठीक है, वो 74 है। तो एक पार्ट को आप x मान लीजिए तो दूसरे पार्ट को आप 12 माइनस एक्स कहेंगे, क्योंकि 12 को हमने डिवाइड किया है। और फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स स्क्वायर और 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आपको इनका स्क्वायर का सम दिया हुआ है, स्क्वायर का सम दिया हुआ है 74। डरे ना, अगर कैलकुलेशन बाद में आपको परेशान करती भी है तो भी आपके तीन में से डेढ़ नंबर यहीं तक हो जाते हैं कि अगर आप एक नंबर को x मानते दूसरा हो जाता है 12 माइनस एक्स और फिर आप इक्वेशन बना देते हैं और थोड़ा बहुत उसे सॉल्व कर देते हैं। तो इसके बाद में मैंने क्वेश्चन रखा है आपको एपी से क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन एपी से 100% आने कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो सबसे पहले तो आप थ्री डिजिट के नंबर आप देख लीजिए, तो थ्री डिजिट के जो नंबर होंगे वो आपको पता होगा 100 से स्टार्ट होंगे और 999 तक होंगे। 7 का डिविजिबल चाहिए, यानी कि पहला जो नंबर होगा वो होगा 105, राइट, और उसके बाद में जो लास्ट का नंबर होगा वो 994 होगा। ए एन के फॉर्मूले से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद में मैंने क्वेश्चन रखा है सम ऑफ एपी से। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। आप देखें यहाँ पर सम बताना है 1 से 100 के बीच के ऑड नंबर्स का। तो सबसे पहले तो 1 से 100 के बीच के ऑड नंबर्स आप निकाल लीजिए। तो 1 से 100 के बीच के ऑड नंबर्स जो है 3 से स्टार्ट होंगे और 99 तक जाएंगे। ध्यान रखना, बच्चे गलती कर देते हैं, 1 को काउंट नहीं करना है क्योंकि बिटवीन लिखा हुआ है और फिर SN का आप फॉर्मूला लगाएंगे। इसके साथ साथ में आपके पास ये 5 थ्योरम है जो जिनमें से दो थ्योरम 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। पहली थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम और उसकी कन्वर्स भी थ्योरम है चैप्टर 6 में, ठीक है। उसके बाद में एक थ्योरम है VPT और उसके बाद में एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स और फिर है टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट की। ये सभी थ्योरम की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप उन्हें पूरी तरीके से देखें। और अगर आप ये सैम्पल पेपर का पार्ट तैयार कर लेते हैं आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बोलें, मैं हर तीसरे दिन आपको दूसरा पार्ट दूंगा और इस तरीके से आपकी तैयारी होती रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजा देंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके लिए आएगा। Thank you very much.